हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट रॉक के बारे में। द टर्म सॉफ्ट रॉक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। जो सॉफ्ट रॉक है वो ड्राइव किया गया, ये वर्ड हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के बारे में हमने पढ़ रखा है वहीं से। दस अ सॉफ्ट रॉक्स मीन्स अ कंपाउंड विच इज़ ईजिली मेटाबलाइज। जो सॉफ्ट रॉक होते हैं जो ईजिली मेटाबलाइज हो जाते हैं उन्हें सॉफ्ट रॉक्स बोला जाता है, और जिन्हें मेटाबलाइज होने में टाइम लगता है उसे बोला जाता है हार्ड रॉक। जो हमारे सॉफ्ट ड्रग्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द कंपाउंड ऑफ सॉफ्ट ड्रग इज़ फिजियोलॉजिकली एक्टिव। जो ये ड्रग्स होते हैं वो ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट ड्रग बोलते हैं। द मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग सॉफ्ट ड्रग इज़ नॉट टू इंक्रीज पोटेंसी। सिर्फ इसकी पोटेंसी बढ़ाना ये कि इसका एम नहीं होता है, बट क्या होता है कि जो ये थेरेप्यूटिक इंडिसेस होते हैं, मीन्स की जो क्योर ऑफ इलनेस, किसी जिस चीज़ के लिए भी यूज किया जा रहा है उसके क्या करें, उपचार करें। हैंस इन वीवो अ सॉफ्ट ड्रग इज़ कन्वर्टेड टू वन और मोर नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। तो हमारे शरीर जो इन वीवो मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडीज़ के अंदर जाने पे ये जो सॉफ्ट ड्रग होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वन और मोर नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। नॉन जो हमारे ड्रग्स होता है वो नॉन टॉक्सिक मीन्स कि जिससे मिलकर बना हुआ तो उसमें वो सेपरेट हो जाता है और वो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। सॉफ्ट ड्रग अवॉइड्स द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स। जो सॉफ्ट ड्रग होते हैं वो अवॉइड करता है फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स के। एंड द लास्ट वन इज सिंप्लीफाई फार्माकोकाइनेटिक प्रॉब्लम बाई मल्टी कंपोनेंट सिस्टम। और जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉब्लम जो कि इसका जो दूसरा टाइप्स है, इसका एंटी टाइप्स भी बोल सकते हैं, एक होता है सॉफ्ट ड्रग, एक होता है प्रोड्रग। उसमें क्या होता है, उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉब्लम्स कुछ होती हैं जो कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो क्या होती है, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम के थ्रू ईजिली क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है, मीन्स कि सॉल्व हो जाती है। तो ये था हमारा सॉफ्ट ड्रग के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसी का एक दूसरा टाइप, ड्रग का एक दूसरा टाइप होता है प्रोड्रग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा प्रोड्रग। द टर्म प्रोड्रग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई एल्बर्ट इन 1958 टू डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल्स डेट अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन प्रायर टू एग्जिबिटिंग देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। जो ये वाला ड्रग होता है, ये जो वर्ड दिया था प्रोड्रग, वो दिया था अल्बर्ट ने 1958 में। उन्होंने प्रोड्रग ऐसे मॉलिक्यूल्स को बताया था, वो हमारे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, मीन्स कि जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद से अपना जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्रग बोला जाता है। सिंपली दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, जो प्रोड्रग होता है पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सॉफ्ट ड्रग होता है वो होता है पहले हमारा एक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद से अपना इफेक्ट शो करता है, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। फ्यू ड्रग्स आर इन इनएक्टिव फॉर्म। जो कुछ ड्रग्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, दे डू नॉट एग्जर्ट एनी फिजियोलॉजिकल एक्शन इन द बॉडी। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसका कोई फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा। अब क्योंकि हमने ड्रग लिया है तो उसका कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने ड्रग लिया है अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में है तो किस में कन्वर्ट हो, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। दिस ड्रग्स रिक्वायर अ कन्वर्जन इन द बॉडी टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। इसलिए इसके लिए ज़रूरत होता है कि हम क्या करें, जो हमारा ड्रग है प्रोड्रग वो एक से ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। सच ए ड्रग इज कॉल्ड अ प्रोड्रग। और इस टाइप के ड्रग्स को क्या बोला जाता है, प्रोड्रग बोलते हैं। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस ड्रग्स आर मोर स्टेबल, हैविंग बेटर बायो अवेलेबिलिटी, लेस साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी एज वेल एज अदर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज। ये जो ड्रग्स होते हैं स्टेबल होते हैं, इसके बेटर बायो अवेलेबिलिटी होती है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, और जिसका टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसके एग्जांपल्स हैं प्रोड्रग्स के, लेवरडोपा, अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है नॉर्मली उसे लेवरडोपा के नाम से जाना जाता है, जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, डोपामाइन। इसी तरह नेक्स्ट है बैकम पीसीलिन, ये प्रोड्रग का एक टाइप है, ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है, जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसका नाम हो जाता है एम्पीसिलिन। आई होप कि आपको प्रोड्रग एंड सॉफ्ट ड्रग में डिफरेंस समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।